रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है कमरूनाग का मंदिर। ये मंदिर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। इस मंदिर में हर वर्ष आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है। ये मेला 14 जून से 15 जून तक लगता है, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मेले की सभी तैयारियाँ पूरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है कामरूनाग का मंदिर। ये मंदिर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। इस मंदिर में हर वर्ष आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। आजकल यहाँ मेला लगा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मेले की सभी तैयारियाँ भी पूरी कर ली गई हैं। ये धार्मिक स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और हरी भरी पहाड़ियां श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। ये मंदिर अद्भुत है, अनोखा है और रहस्यमय भी है। यहाँ मंदिर के समीप एक अनोखी झील है, जहाँ मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु सोना चांदी के जेवर के अलावा सिक्के भी चढ़ाते हैं। कई जगह तो आप नोट भी देख सकते हैं। ये परंपरा पांडवों के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब पांडु देव कामरूनाग से मिलने आए थे, तो उन्होंने भी सोने चांदी के गहने इसी झील में अर्पित किए थे। इस अद्भुत झील का निर्माण भी पांडवों ने ही करवाया था। जब पांडु देव कामरूनाग से मिलने आए थे, तो देव कामरूनाग ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तब भीम ने धरती पर वार किया था और अपने हाथों से और पानी की झील को प्रकट किया था, और जाते समय सारा सोना चांदी अपना इसी झील में डाल दिया था। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस झील में करोड़ों और अरबों का खजाना है, लेकिन कोई भी इसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि इच्छाधारी नाग इस खजाने की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर सांप की तरह दिखने वाले छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जो बिल्कुल सांप की तरह ही नजर आते हैं। देव कामरूनाग का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने कामरूनाग से उनका सिर मांगा था, और देव कामरूनाग इच्छा के अनुसार महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। एक ऊंची शिला पर ही उन्हें स्थापित किया गया था। कामरू झील के रहस्यों का ज्ञान जानकर आप हैरान हो सकते हैं। इस झील में अरबों का सोना चांदी पैसे दबे हैं। देव कामरूनाग को बारिश का देवता भी माना जाता है। इस झील की एक और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ स्वास्तिक चिन्ह है, जिसको इंद्रदेव से बादलों द्वारा चुरा लिया गया था। मान्यता के अनुसार भगवान कामरूनाग को सोना चांदी व पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। श्रद्धालुओं को झील में सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते आप देख भी सकते हैं। कामरूनाग की कहानी भगवान कृष्ण की लीला से भी मिलती है। राजा रतन यक्ष की परीक्षा भगवान कृष्ण ने ली थी। भगवान विष्णु के परम भक्त थे राजा रतन यक्ष। त्रेता युग में एक नागिन ने तपस्या करके कामरूनाग को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है कामरूनाग की। स्वास्तिक चिन्ह भी इसका एक रहस्य है। 15 जून को यानी आज लाखों श्रद्धालुओं द्वारा कामरू झील में श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है। कामरूनाग में दुकान लगा दी हुई है। 13, 14, 15 से मेले शुरू होने जा रहे हैं वाराणसी के, और उसमें काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और उस करके हमने दुकान जो है 26 तारीख से लगा दी है। 26 तारीख को हमारी अलॉटमेंट थी यहाँ पे, और अभी तक लास्ट डेट है। श्री देव कामरूनाग का मंदिर है। यहाँ जो काफ़ी पुराना मंदिर है, लोगों की बड़ी आस्था रहती है यहाँ आने की। मेले के दौरान हमारा 14-15 को मेला होता है जून के महीने में, और जिसके सारा नवरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, और मेले के दौरान काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है लोगों की। यहाँ पे व्यवस्था जैसे रास्ता वगैरह है, उसको भी ठीक किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है, जैसे कई बुजुर्ग लोग हैं जिनसे नहीं आया जाता है बेचारे, वो आराम से आ सके यहाँ पे। बबरू वाहन जो है हिडिम्बा का पोता है और घटोसिस का लड़का है, तो इसको जो है ना तीन तीर मिले हुए हैं। तो इसको अपनी दादी को बोलता है कि मैंने जाना है महाभारत का युद्ध देखने, भी बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। तो श्री कृष्ण जिस रास्ते में पकड़ लेते हैं इसको, भी आपने क्या करना है, तो वो बोलता है भी कि
मैंने दादी को वचन दिया है दो भाई की, एक तो मैं लड़ूंगा या देखूंगा पार्टिसिपेट करूंगा मतलब, और दूसरा है कि भाई जो कमजोर है उसकी साइड से लड़ूंगा भाई मैं। तो श्री कृष्ण बोलते भाई तेरे पास क्या है, तो तू भाई इतना बड़ा बन के आया है, तो बोलता मेरा तीन तीर है मेरे गुरु ने दिए हैं मेरे को, तो भाई वो बोलता दिखा बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर, तो मारता तीर एक से, तो श्री कृष्ण एक पत्ता जो है ना पीपल का वो पाँव के नीचे छुपाते हैं, तो तीर से पहले तीर से मार करता भी है सारे पत्ते गिर जाए नीचे, और दूसरे तीर से गिराता है वो, तो तीर लगता है फिर श्री कृष्ण जी के पैर में। तो श्री कृष्ण बोलता भी ये बड़ा शक्तिशाली है, तो भाई युद्ध गई, युद्ध का नतीजा क्या निकलेगा, तो बोलता भी तू जिस तरह से लड़ेगा ना भी वो साइड जीत जाएगी शाम को, अगले दिन तो उल्टी साइड से लड़ेगा, तो भाई ऐसे करके तो लास्ट में तू ही बचेगा कल्ला। तो बोले अब सोल्यूशन क्या है, तो भाई सोल्यूशन तो कोई नहीं है, तो फिर श्री कृष्ण बोलते भी आपको बलि देनी पड़ेगी भी, और आपकी बलि देते हैं हम। तो बोलता भी ठीक है मैं तैयार हूँ बलि देने को, और मेरी जो पहली शर्त है भी मैं पार्टिसिपेट करना या देखना है ना अभी वो नहीं होगी। तो बोलता मैं तेरे को वरदान देता हूँ भी तू मरेगा नहीं ना, तेरा सिर भी हम लगाएंगे पत्ते के उस पर लगाते हैं ट्राईपोर्ड पे ना, फिर जैसे ट्राईपोर्ड स्टैंड उस पर लगाते हैं उसका सिर से। तो फिर वो युद्ध देखता है पूरा, फिर लास्ट में इनकी लड़ाई होती है ना पांडवों की, जब पांडव वास्तु बोलते हैं मैं स्ट्रांग था मैंने ज़्यादा युद्ध किया मैंने ये किया, तो फिर वो जाते हैं उसके पास भगवान के पास भी आप बताओ भाई, तो वो बताता भी सारा युद्ध जो भी भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई इधर से भी वही लड़ रहे इधर से भी वही लड़ रहे भी सारी उसकी लीला है। तो ऐसी स्टोरी है इसकी मतलब महाभारत निकलती है स्टोरी इसकी पूजा मतलब यहाँ पे सुखना करने आए थे और आज सुखना हमारी पूरी हो गई है, तो बाबा जी ने हमें बुलाया है तो हम दर्शन करने आए हैं उनके, हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे दर्शन हुए। जयकारा कमरनाग बाबा जी की, बोल साचे दरबार की जय।